السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الحديث رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب اور خالق ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد، آج 25 جمادی الآخرة 1442 ہجری مطابق 7 فروری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں مکسلار پر محرر فی احکام الحدیث، جو علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جناب امجد حسینی صاحب کے گھر کا جو درس ہے، لائف آن لائن لائف آپ کی خدمت میں مکسلار پر پیش ہے. ہم نے آج سے تبدیلی کی ہے اس وقت میں. پہلے یہ درس جو ہوتا تھا محرر کا، تو عشاء سے قبل ہوتا تھا یا عشاء کے فوری بعد ہوتا تھا. چونکہ آفس کے ٹائم کے مسائل کی وجہ سے یہ طے کیا ہے ہم نے کہ انشاءاللہ یہ درس باقاعدہ ہر اتوار 9:30 بجے ٹھیک شروع ہوگا. آپ یہ ٹائم نوٹ کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک 9:30 بجے ہر اتوار کو یہ درس ہوتا رہے گا
बाकायदा मुहर्रर का इंशाअल्लाह। मैंने दो हदीसें आपके सामने पढ़ी जो नमाज में सफ़े अव्वल की अहमियत और आगे बढ़ना, इमाम के करीब होना, इसकी अहमियत और फजीलत पर मुश्तमिल ये दो अहादीस हैं। पहली हदीस अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को पीछे देखा मस्जिद में, मस्जिद के पिछले हिस्से में। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर ये कहा कि आगे बढ़ो और मेरी इक्तिदा करो और तुम्हारे पीछे वाले तुम्हारी इक्तिदा करें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग पीछे रहने लगते हैं यानी पहली अगली सफों को छोड़कर नमाजों में, तो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है। दूसरी हदीस अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ अगली सफ है और सबसे बुरी सफ पीछे वाली सफ है, पिछली, और औरतों की बेहतरीन सफ पिछली है और अगली सबसे बुरी है या बुरी सफ है। ये दो हदीसें मौजूद हैं, जरा तवज्जो के साथ देखिए जो बात हम आपके सामने शराह में बयान करने जा रहे हैं। मर्द को अल्लाह ताला ने जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया मसाजिद में, और ये अल्लाह का फजल है कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाजें चल रही हैं, चलती रहेंगी इंशाअल्लाह कयामत तक। मस्जिद में जाकर जमात के साथ मर्दों पर वाजिब है कि वह नमाज पढ़े। जहां तक ख्वातीन इस्लाम का ताल्लुक है तो उनके लिए घरों में पढ़ना है वक्त मुकर्ररा पर नमाजें। तो सफ़े होती हैं, आपको पता सफबंदी होती है मस्जिद में, पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, बनते रहते हैं सफ, या बनती रहती हैं सफ़ें, लोग आते रहते हैं और सफ बनते जाती है। इमाम की इक्तिदा में सारे लोग मुसलमान सफ बसफ बाजू बाजू खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। शरीयत इस्लामिया ने इस बात पर उभारा है कि आगे बढ़ें, क्योंकि ये नेक है, खैर खैर का काम है, नमाज पढ़ना इबादत है, पहली सफ की फजीलत है, अल्लाह ताला की रहमत होती है पहली सफ पर। और अहले इल्म या बालग जो बड़े हैं वो जो है उनका हक ज्यादा है कि वो पहली सफ में रहें। ये और बात है कि अगर पहली सफ में जगह हो और बच्चा हो तो जाहिर बात है वो, और बच्चा अगर पहले आ गया तो बच्चा बैठेगा, बच्चा खड़े हो जाएगा आगे पहली सफ में। तो सफों की फजीलत है, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि खैर है, और सफों को मुकम्मल करना चाहिए। हदीस में यहां तक इसकी अहमियत आई पहले सफ की, सफ़े अव्वल की। अगर लोगों को पता चल जाए कि सफ़े अव्वल में कितना खैर है तो फिर वो दौड़ेंगे, और जाहिर बात है सबके लिए जगह नहीं होती है पहली सफ में, मस्जिद की जो बनावट होती है उस एतबार से सफ में जगह होती है, बाज जगह 10 लोग, बाज जगह 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितनी बड़ी मस्जिद होगी उस हिसाब से सफ में जगह बनती है। चाहे कितनी बड़ी मस्जिद हो, सारे मुसलमान एक सफ में तो पहली सफ में नमाज नहीं पढ़ सकते, मालूम है ये बात।
और आमतौर पर जो मजाती तो चाहिए हमारी अजीजिया मस्जिद देखिए आप या और मोहल्ले की मस्जिदों को देखिए आप, यानी ज्यादा बड़े ज्यादा बड़ी सफ नहीं हो सकती है। अब फिर अब तो सोशल डिस्टेंस है, फिर उसमें भी जो है जाहिर बात है तीन आदमी की जगह दो आदमी पढ़ रहे हैं, नमाजें ऐसी है ना, एक सफ में अगर 20 पढ़ते थे पहले तो अब 10 पढ़ रहे हैं, पहले 50 पढ़ते थे तो अब सिर्फ पहले 20 पढ़ते थे तो अब 10 पढ़ रहे हैं सिर्फ, तकरीबन ऐसे मामला होता है। तो अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ में कितनी फजीलत है कितना खैर है तो उसके लिए दौड़ेंगे सब। अब जाहिर बात है सब भाग के आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, और इसके लिए कुरानदाजी अगर करना पड़े कि भाई जिसका नाम आएगा वो आगे, तो सब तो आगे एक साथ, तो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। बाद रिवायतों में है कि अगर चलकर नहीं आ सकते यानी पैर खराब हैं या पैरों में प्रॉब्लम है तो वो अपने मतलब बैठ कर घसीट कर अपने आप को आएंगे उस खैर को जो पहली सफ में है पाने के लिए। तो ये शरीयत इस्लामिया ने उभारा है, आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह माफ करे हम सबको, हम सब कोताही बरतते हैं इस सिलसिले में, जल्दी नहीं जाते हैं। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात बयान की, नबी क्या कहते हैं अबू सईद खुदरी जो रिवायत किया कि नबी सल्लम ने कुछ लोगों को मस्जिद के पीछे हिस्से में देखा, हालांकि जगह थी सामने, वो लोग पीछे थे। और ये मंजर आप आज भी आप देख सकते हैं, बाल लोग जल्दी आते हैं, जुमा को भी आते हैं, या आम आप जुमा की नमाज की आप बात ले लें या आम फराइज की बात ले लें, जैसे मगरिब है, ईशा है, जोहर है, फजर है, पीछे बैठते हैं, हालांकि आगे जगह होती है। ताज्जुब होता है लोगों को देखकर, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे आप, पीछे क्यों बैठे हुए हैं आप। वो नमाज पढ़ना हो पीछे बैठते हैं, दर्स में रहना बैठना हो पीछे बैठते हैं, खुतबा सुनना हो पीछे बैठते हैं, पीछे पसंद है उनको, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसान शर से पीछे रहे, गुनाहों से पीछे हट जाए, दूर हो जाए, लेकिन खैर नेकियों में आगे बढ़े। जगह होती है, मैं कह रहा हूं आपसे जगह होती है, दूसरी सफ में, तीसरी सफ में, या बाज दफा पहली सफ में, फिर भी नहीं बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, बिल्कुल खाली खाली है जगह कोई। इकामत होती है तो उठ के आगे बढ़ते हैं, जहां जगह मिल जाए नमाज पढ़ ले तो उसके बाद दरवाजे से भाग जाते हैं। क्या है ये सही नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया इन लोगों को देखकर जो पीछे रह गए, पीछे बैठे थे मस्जिद के? नबी सल्लम ने फरमाया तकद्दमु, आगे बढ़ो, फतम्मु बी, मेरी इख्तिदा करो, मतलब आओ आगे बढ़ो, मेरे पीछे नमाज पढ़ो। पीछे क्यों बैठे वो, और तुम्हारे पीछे तो तुम्हारे पीछे जो लोग होंगे वो तुम्हारी इख्तिदा करें, इख्तिदा सब फॉलो करेंगे, यानी मैं इमाम हूं, मेरी इख्तिदा पहली सफ वाले करेंगे, दूसरी सफ वाले पहले सफ वालों की इख्तिदा करेंगे, तीसरी सफ वाले, तो ऐसे एक के पीछे इख्तिदा, सारे लोग इमाम के मुख्तलिफ, लेकिन एक के पीछे एक होंगे ऐसे। फिर आगे नबी सल्लम ने बयान किया कि इसका नुकसान पीछे रह जाने का, सफे अव्वल से या अगली सफ से, पहली सफ से, अगली सफ से पीछे रहने का नुकसान, पीछे हटते जाएंगे लोग, यहां तक अल्लाह उनको रहमत से भी दूर कर देगा। देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब बनती है ये चीज, अल्लाह की रहमत जो हमारे लिए जो है जरूरी है, उसके बगैर ना जीना ना जन्नत, अल्लाह की रहमत के बगैर हम नहीं जी सकते हैं, और अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, हत्ता कि जन्नत भी नहीं मिलेगी नेक अमल की बुनियाद पर। सिर्फ नेक अमल कर लिया तो जन्नत मिल जाएगी? नहीं, जब तक अल्लाह आगोश रहमत में ना ले ले, जब उसकी रहमतों का नुजूल ना हो हम पर। तो रहमत पाने का एक जबरदस्त सबब इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि इंसान अगली सफ की कोशिश करे, और तजुर्बे से जो बात मैं समझता हूं वो आपको बताऊं, और उम्मीद कि आप मेरी तायीद भी करेंगे कि बात मैं सही बता रहा हूं। क्या वजह है मैं जो अभी बता रहा हूं, क्या वजह है कि हम सफों से पीछे हटते हैं, हम अगली सफों में नहीं रहते हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ताखिर से मस्जिद पहुंचना। सबको पता है कि अजां के बाद थोड़ा सा वक्फा होता है हालात के हिसाब से, अभी तो जल्दी जल्दी हो रही है आजकल, वरना आमतौर पर जो है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अलग अलग, फजर में थोड़ा ज्यादा वक्फा दे देते हैं,
बाकी नमाजों में कम वक्फा होता है, लेकिन इतना तो है ना भाई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, या अभी से लगा ले साहब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट होगी ना उसके बाद जमात, तो क्यों ना हम अजां के फौरी बाद पहुंच जाए। और बास तो अल्लाह जजाय खैर दे, बहुत अच्छे लोग हैं जो अजां से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं। आपको पता है, देखिए आजकल डिजिटल दुनिया है या क्या कहूं मैं, आप कहीं भी जाएं फोन से आप पता कर सकते हैं कि आप जिस इलाके में वहां अजां कितने बजे होने वाली है। आप ताइफ जाएं, आप यम्बो जाएं, आप उमलुज जाएं, आप मदीना जाएं, आप हैदराबाद जाएं, बंबई जाएं, दुबई जाएं, लॉस एंजलिस जाएं, आप आपके पास एप्लीकेशन है, उससे आप फौरन, वक्त बदलता है तो एप्लीकेशन में टाइम आ जाता है ऑटोमेटिकली। इस दौर में हम हैं, बआसानी आपको पता चल जाएगा भाई इतने बजे अजा होने वाली है, तो क्यों ना हम तैयारी कर लें। होता क्या है, मैं गलती बताऊं जो हम सब की होती है, अल्लाह माफ करे हम सबको, अल्लाह हिदायत दे, अजा के बाद हम जो है तैयारी करते नमाज की, कैसे, इस्तिंजा, हम बैतुलखला, फिर वजू, फिर कपड़े चेंज करो तो कपड़े चेंज, या आजकल के हिसाब से जो है मास्क ले लो, फिर जिम में, फिर जानी मास्क आए लो, फिर चलो दरवाजा खोलो जाओ, कहाँ मस्जिद तक पहुंचो भाई, सबके लिए टाइम नहीं चाहिए। वॉशरूम में कभी इस्तिंजा, कभी देर हो जाती है भाई, हर एक के लिए एक एक वॉशरूम तो बना हुआ नहीं है घर में, मिसाल बता रहा हूं मैं आप सुन। तो पता है कि ये अजां होने वाली, तो अजां से पहले अगर इंसान प्रिपेयर रहे, बावजू होकर रहे, तो अजां के फौरी बाद भी पहुंच जाए ना, उसको अगली सब मिल सकती है, ये आदत डालनी चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए, बाज दफा लोग जो है अजां के बाद भी दुनियावी उमूर में मशगूल होते हैं, अजां के बाद काम करते रहते हैं दुनिया का, घर में हो, बाजार में हो, बातें हो, मीटिंग्स हो, भाई अजां हो गए खलास, चैप्टर क्लोज, सब बंद, नमाज का वक्त, नमाज के अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी। अब अजां के बाद भी अगर हम गुफ्तगु जारी रखेंगे या दुनिया का कोई काम करते रहेंगे जो गैर जरूरी है चीजें, नमाज से जरूरी क्या चीज है मुझे बताइए, किसका कॉल अटेंड करना, कोई कॉल कर रहा है तो मत उठाइए आप, चाहे वो जिद्दा वाला हो बाहर का हो, मत उठाइए फोन आप, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, ये वक्त लेगा आपका जो कि इबादत का वक्त है, वो वक्त लेगा, 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट, गई आपकी नमाज, रखातें चली गई, जमात चली जाती है, बड़ी तकलीफ दह चीज होती है, खलास एक सिस्टम बना कर खलास। मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं फोन के हवाले से, जब गाड़ी चलाएं तो किसी का फोन अटेंड मत करें, इल्ला ये कि ब्लूटूथ हो या जो है सम्मा वगैरह इस्तेमाल करते हो आप, तो कोई हर्ज नहीं है, वरना अगर हमें पता है। दूसरी चीज, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज, क्योंकि देखिए ड्राइव करते वक्त उठाना कोई जरूरी नहीं है, इल्ला ये कि मजबूरी हो, लोगों का सेल्समैन वगैरह का काम है, वरना मत उठाइए। 15-20 मिनट क्या करेगा आदमी, कॉल करेगा समझो, हाँ भाई मैं ड्राइव करा था, नहीं उठाया था। अजान के बाद किसी का फोन मत उठाए हम लोग, आदत डालें तो बहुत अच्छा रहेगा इंशा। क्यों नहीं उठाया भाई अजान के बाद कौन सा फोन, भाई नमाज के बाद करना था, ये बेहतर चीज है, उम्मीद के जो इस पर अमल करेंगे हम लोग तो हमारे लिए खैर है। छोड़िए कोई किसी का अमल लेके नहीं जाएगा, आप किसी का फोन नहीं अटेंड करेंगे तो अल्लाह पूछेगा नहीं, अजा होने के बाद फलाने फोन किया था क्यों नहीं उठाया, तो आपने भाई अजा के बाद नमाज क्यों नहीं पढ़े अल्लाह पूछेगा फोन नहीं उठाया कोई भी नहीं पूछेगा, सही है ना, जरूरी नहीं है। चलिए दूसरी बात, इस हदीस दूसरी हदीस में जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मर्दों की सबसे अच्छी सफ पहली सफ, सबसे बुरी आखिरी है। देखिए बुरी कहा आपने, शर, मर्द क्यों, क्योंकि मर्द आगे बढ़े पहली सफ में रहें या अगली सफों में रहें, पहली सफ में जगह ना में तो आगे रहें, पीछे ना रहें, सबसे अच्छी है और बुरी पीछे वाली, ठीक है, इसको बुरी कहा ना उसमें, शर रोहा कहा आपने, खैर और शर क्या चाहिए, खैर या शर, खैर चाहिए भाई, खैर हर किस्म की भलाई, शर हर किस्म की बुराई, तो खैर आगे शर पीछे, तो शर से अपने आप को बचाएं। औरतों में सबसे खैर वाली सफ, अच्छी सफ सबसे लास्ट, और सबसे पहली पिछली सफ बुरी है। यह देखिए उस सूरत में होगा जब औरतें जो है मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी, औरत के लिए शरीयत ने इजाजत दी है कि वो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सके, ला तमनु इमा अल्लाह में मसाजिद अल्लाह, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
अल्लाह की बंदियों को यानी औरतों को अगर वो मस्जिद आकर नमाज पढ़ना चाहे तो मत रोको। अफजल घर में है ठीक है, लेकिन अगर कोई औरत आकर नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ेगी। तो अब पहले क्या होता था, नबी के जमाने में जो है औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी ठीक है। तो शक्ल क्या थी, जाहिर बात है ऐसे दो फ्लोर तीन फ्लोर औरतों की, औरतों का मुसल्ला अलग, उनकी नमाज की जगह अलग है, ऐसा नहीं था ना पहले, जाहिर बात है कैसे। तो एक ही मस्जिद होती थी, एक ही फ्लोर, तो मर्द आगे बढ़ते थे, फिर बच्चे पीछे रहते थे, फिर औरतें रहती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों की सबसे अच्छी सब पीछे वाली है आखिरी में, क्यों, पर्दा वगैरह के मसाइल थे, गुशा पर्दा वगैरह, सबसे अच्छी सफ सबसे पीछे है वाली, बिल्कुल अपोजिट और मर्दों के, और सबसे बुरी सफ आगे है। ये बुरी का मतलब क्या है, चाहे मर्द हो मर्दों की सफों के बारे में या औरतों की सफ, ये सवाब की कमी है, मतलब ये जो आदमी पहली सफ में पड़ेगा उसको अजर ज्यादा मिलेगा, जो आदमी लास्ट सफ में, मिसाल के तौर पर मस्जिद में जो है 10 सफों की नमाज हो रही है मस्जिद में, मर्दों की 10 सफे हैं, तो फर्स्ट सफ में जो है उसको सवाब ज्यादा मिलेगा, अजर ज्यादा मिलेगा। और जो क्या कहते हैं 10वीं सफ में रहेगा उसको सवाब कम मिलेगा, अजर। आप बोलेंगे भाई अजर कमी और ज्यादती, जी हाँ, अजर ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा क्यों, जब अजर ज्यादा होगा तो नेकी मिले, वो जन्नत मिलेगी, आपकी नेकियां जो है ज्यादा होंगी तो जन्नत मिलेगी, जाहिर बात है ना। तो कौन नहीं चाहता फायदा, बताइए, हम दुनियावी फायदे के लिए, डिस्काउंट मिलता है कहीं पर भाई इतने में इतना फला जगह ऑफर है तो दौड़ के भागते हैं बीवियों को लेकर, या खुद जाते हैं कि चलो ऑफर में जो है चीजें मिल रही हैं, दो रियाल बचेंगे, फायदा होगा, दो रियाल का फायदा, पांच रियाल का फायदा आदमी देखता, और ये गलत चीज नहीं है, ये अभी मिसाल है, अच्छी चीज है। दीन का फायदा इससे ज्यादा देखना चाहिए हमें कि दीन का फायदा किससे हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अजर की कमी होगी, लेकिन अगर औरतों की जैसे आजकल है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जितना हम जानते हैं, चाहे हमारे इंडिया पाकिस्तान में हो या यहाँ की मसाजिद में हो, औरतों के मुसल्ले अलग बने हुए हैं, जैसे छत पर होता है या नीचे ही हो ग्राउंड फ्लोर पे भी, लेकिन अलग है उनकी जगह बिल्कुल, उनकी उनका एरिया पूरा कवर किया गया, तो वहां कोई हरज नहीं, वहां पहली सफ जो है अगली सफों में औरतें आगे बढ़कर, ये उस सूरत में होगा जैसे अहले इल्म में आया कि एक साथ हो मर्द और औरतें एक साथ एक के पीछे एक नमाज पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो पर्दा करके आएंगे, लेकिन फिर भी जाहिर बात है रुकू सजदे वगैरह होते हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखकर जो है ये बात बताई गई है। बहरहाल कोशिश करें कि हम दुनिया से ज्यादा दीन को तरजीह दें, दुनिया छोड़नी है, दीन आगे आएगा और अल्लाह के सामने जाना है, हिसाब देना है अपने अमाल का। कोशिश करें कि हम जो है खैर जहां जहां मिल जाए वहां आगे बढ़ें, उसके लिए दौड़ें, कोशिश मेहनत करें, खासतौर से जो क्योंकि किताब उसरात मुहर्रम में चल रही, उसी हवाले से मैंने मुनासिब समझा कि आज के दर्स में ये दो चीज़ें आपके सामने पेश करूँ, और जो किताब का सिलसिला है वो आइंदा इंशाल्लाह जारी रहेगा, ठीक 9:30 बजे से दर्स शुरू होगा अल्लाह ने चाहा तो बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह, थोड़ी कुछ मिनट तखीर हो गई लेकिन आइंदा से ठीक 9:30 एग्जैक्टली इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ने हयात रखी तो हम बाकायदा जो है सिलसिला आपको जारी रखेंगे। वही अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको सफ़े अव्वल का मुसल्ली बनाए, आमीन। नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत को अहमियत देने की इम्पोर्टेंस देखिए, फ़ोन की इम्पोर्टेंस है या नमाज की है, व्हाट्सअप है या नमाज है, फ़ोन अटेंड करना है या नमाज है, ईमो है या नमाज है, बातें करना बच्चों के साथ घर वालों के साथ टाइम देना इम्पोर्टेंट है या नमाज है, वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस की जिसको जिसकी अहमियत ज़्यादा होती है उसको तरजीह देता है, वो उसको पहले आगे रखता है, उसको सब बाद में, पहले नमाज खलास बेहतरीन चीज़, बल्कि फ़ोन घर में रख दीजिए, चले जाइए नमाज आ जाइए अगर उस इमरजेंसी वगैरह नहीं होती है। बहरहाल कोशिश करें कि हम जो है एक तरतीब बनाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमारी जो है नमाजें या हमारी जमात तो पीछे ना रहे, जमात से हम पीछे ना खाएं, आगे बढ़ें और खैर को पाने वाले बनें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।